हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने रिवॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज पढ़ने वाले हैं। यदि मैं बताऊं 10 में से 9 स्टूडेंट्स का यदि कहीं डाउट होता है तो वो डाउट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो एडमिशन के बारे में बात करूँ, चाहे मैं रिटायरमेंट के बारे में बात करूँ। तो मैं इसको कैटेगराइज वाइज मैं बना दिया हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम सामने है तो अपने क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो क्विक रिवीजन के लिए ये अपने वीडियो बना रहे हैं हम लोग। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखना कि एट ए टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे अपने फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। तो रिकंस्टिट्यूट के टाइम पे हम लोगों को 6 जगह चेंजेस करने पड़ते हैं। यदि मैं 6 जगह चेंजेस के बारे में बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। इसके 6 जगह क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसमें 2 जगह जो चेंज इन पीएसआर है जो कि यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, तो 4 जगह आपको चेंजेस करना पड़ता है। देखिए, 6 एक मैं बताता हूँ। पहला था चेंज इन पीएसआर, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चौथा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, पांचवा था तुम्हारा एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व, लास्ट था तुम्हारा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो उसमें से 2 एडजस्टमेंट, पहला तो एडजस्टमेंट जो पहला था कौन कौन सा बोलिए, पहला चेंज इन पीएसआर और दूसरा था तुम्हारा क्या वैल्यूएशन गुडविल। ये दोनों ही जो है वो बैलेंस शीट से अलग का पार्ट है, बट ये 4 पार्ट जो इसके अलावा जो बचा कौन कौन सा, रिवैल्यूएशन, दूसरा एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व, कैपिटल का एडजस्टमेंट्स और ट्रीटमेंट गुडविल, सारा का सारा जो है अपने बैलेंस शीट का ही पार्ट है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे आपको बैलेंस शीट का एक एक आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको कैपिटल दिख रहा है, ये जो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मेरे को क्विकली रिवाइज करवाना है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। चलिए आइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। यदि मैं रिजर्व के बारे में बात करूँ, एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व। ये जो दिख रहा है ना आपको पूरे के पूरे 4 एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व, इसके बारे में, इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व के ऊपर मैं बात करूं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर से जाके देखना उसको, ठीक है। उसका लिंक भी मेरे को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चले, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको बोलेंगे सेकंड एडजस्टमेंट, जिसको बोला जाएगा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है, इसको बोला जाएगा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है। कलर पे ध्यान देना, मैं इसीलिए कलर अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा मैं बताऊं, यदि आपको करंट लायबिलिटी के बारे में बात करूं, या फिर मैं करंट लायबिलिटी के बारे में बात करूं, या फिर मैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करूं, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूं, या फिर मैं करंट एसेट्स के बारे में बात करूं, ये सारे के सारे जो रेट पॉइंट्स है इसके लिए एक अलग से एडजस्टमेंट बना हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं क्या, पॉइंट नंबर 3, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ। आप भी वैसे लिख लोगे, आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपको एक चीज नजर आएगा कि क्या पढ़े हो, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो चुका है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज किसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपका ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3। मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट का 3 आइटम आपको दिख गया, अब एक लास्ट आइटम बचा है, वो है तुम्हारा क्या, वैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये अपने, मैंने इसको दिखा रहा हूं, मैं इसको चॉकलेट कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो गुडविल दिख रहा है आपको, ये जो है मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, ये अपना एडजस्टमेंट हो गया, इसको बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 4 हो गया ये, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, कुल मिला के 4 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, मैं बताता हूं, मैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूं आपको। मैं रिवैल्यूएशन बता दिया, रिवैल्यूएशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आपको क्लियर नहीं है तो मेरे वीडियो वहां पे है, अवेलेबल है, आप वहां से जाके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वीडियो बहुत सारे मेरे प्राइवेट किए हुए हैं, आपको यदि पर्टिकुलर टाइम पे दिक्कत होता है तो आप वहाँ पे किसी भी वीडियोस पे आप कमेंट करो कि सर मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो मेरे को चाहिए रिवैल्यूएशन का, तो मैं उसको पब्लिकली कर दूंगा ताकि आप देख पाओ, ठीक
ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये सब रिवोल्यूशन का पार्ट है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं बताऊं तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों का एक वीडियो बना हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आप भी वहां पे भी आप देख सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। तो सिर्फ सिर्फ बचा क्या है सर, सिर्फ सिर्फ ये तो बचा हुआ है, इसी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करूं तो दिख रहा है आपको पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स होंगे, सपोज यहाँ पे एबीसी तीन पार्टनर्स है, यहाँ पे एबीसी तीन पार्टनर्स है, एबीसी तीन पार्टनर्स है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट मतलब क्या, पर्टिकुलर्स, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ यदि, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है सारा का सारा डेबिट है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये क्रेडिट है। ये ब्लू जो है वो डेबिट है, और जो येलो दिख रहा है आपको वो क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। चलिए अब मैं सम्स कैसे करूंगा, एकदम लेट्स स्टार्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे ही करना है। देखिए सबसे पहला जो पहला स्टेप, मैं स्टेप्स वाइज बताता हूँ, स्टेप्स वाइज आपको क्लियर हो जाएगा। पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जितना भी कैपिटल है सबको उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। क्रॉसिंग में ट्रांसफर करना आपको पता है, लेजर है तो लेजर में क्रॉसिंग में ही ट्रांसफर होता है। उसके बाद ए को ट्रांसफर कर दिए, फिर बी के कैपिटल को बी में ट्रांसफर कर दो, और फिर सी के कैपिटल को सी में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, फिर सी के कैपिटल को क्या कर दो, सी में ट्रांसफर कर दो। आपने ट्रांसफर किया, सर क्या बोल के ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर क्या बोल के करेंगे, तो देख लो पॉइंट नंबर, मैं स्टेप नंबर वन लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में वन मत लिखना, क्योंकि अकाउंट्स में वन टू थ्री न्यूमेरिक आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय बैलेंस, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी आपको लिखना है यहाँ पे, ये पूरा कैप है, आपको पता है किस तरीके से लिखा था, क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो पहला काम आपको करना है क्या, यहाँ पे देख रहे आपको बाई बैलेंस बीडी लिखोगे आप, और तीनों के अकाउंट में तीनों का कैपिटल आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, सही बात है, यस सर, क्लियर हो गया, यहाँ तक पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया, पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया, बाई बैलेंस बीडी लिख के आपको ऐसे ट्रांसफर कर देना। चलिए ध्यान रखिएगा, मैं जिस तरीके से स्टेप बताऊंगा उसी तरीके से आपको क्लियर करना है। आइए, यदि मैं उसके बाद सेकंड स्टेप के बारे में बात करूं, तो आपको ये रिजर्व को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे रिजर्व को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे, मैं इसको रेड किया हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा कि किस तरीके से काम करने हैं अपने, पूरे के पूरे चारों के चारों रिजर्व को आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तीनों में डिवाइड करना है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए यदि आप कैपिटल को ट्रांसफर करोगे, जब आप कैपिटल को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल को ट्रांसफर करते वक्त आपको बहुत सहूलियत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीन अमाउंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे तीन अमाउंट दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से, यदि आप देख पा रहे हो तो ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, इस तरीके से आप क्या करोगे, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, आराम से लिखोगे। बट दिक्कत कहाँ पे आएगा, दिक्कत तब आएगा जब यदि आप रिजर्व को ट्रांसफर करोगे, तो रिजर्व का ट्रांसफर करते हो तो एक रिजर्व के बारे में बात करूं, सपोज आपके पास जनरल रिजर्व सिर्फ जनरल रिजर्व है, सिर्फ यदि जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को यदि आप ठीक से देखोगे, सिर्फ जनरल रिजर्व को देखोगे तो जनरल रिजर्व अलग है, पीएल अकाउंट अलग है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अलग है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग है। तो मैं जनरल रिजर्व के बारे में खाली मैं बात करूँ, सिर्फ जनरल रिजर्व, यदि सम्स में खाली जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो आपका तो अमाउंट एक ही दिया हुआ है, बट आपको यहाँ पे कितना लेना है, आपको यहाँ पे तीनों में लेना है, तीनों में लेना है। तो याद रखिएगा, कभी भी बैलेंस शीट से कोई आइटम उठाइएगा जिंदगी में, कभी भी याद रखिएगा, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, बैलेंस शीट से यदि आप कभी भी कोई सामान उठाते हो, कोई चीज उठाते हो, तो हमेशा वो ओल्ड रेशियो में ही उठाओगे, क्योंकि आपका ये ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये क्या है आपका, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के करने के पहले का ये बैलेंस शीट है। तो पहले का बैलेंस शीट, जाहिर सी बात है, पहले का जब बैलेंस शीट है तो इसके ऊपर हक भी किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड बैलेंस शीट से कोई भी आइटम को उठाते हो, चाहे वो गुडविल के बारे में बात करूं, चाहे मैं रिजर्व के बारे में बात करूं, किसी भी चीज के बारे में बात करूं, तो हमेशा आपको ओल्ड रेशियो ही लेना पड़ेगा, आपको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो सर आपको समझ में आ गया कि जब भी आप रिजर्व को डिवाइड करोगे तो याद रखना कि रिजर्व तो एक ही अमाउंट है, और आपको डिवाइड करना है तीन पार्टनर्स में, तो आपको कौन से रेशियो लेना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर, यहाँ पे आपको जो जो रिजर्व को ट्रांसफर करना है, आपको मान लीजिए जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना, तो बाई जनरल रिजर्व लिखोगे, ठीक है। यदि आपको पीएल अकाउंट ट्रांसफर करना, तो पीएल अकाउंट लिखोगे, बाई पीएल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा आप ट्रांसफर करोगे, समझ के बाद। इसके ऊपर ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये सेकंड स्टेप हुआ, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहला काम ये करना है, सेकंड काम आपको ये करना है।
अब आप देख पा रहे हो, तो मैं बताऊं आपको, मैं फिर से आपको उसी तरीके से समझाऊं तो आप देख पा रहे हो कि आपके बैलेंस शीट के आपने हर एक आइटम को ट्रांसफर कर दिया, कहीं ना कहीं आपने बैलेंस शीट को हर एक आइटम को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देख पा रहा आपका सब येल्लो येल्लो हो गया, ये भी ब्लू हो गया, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये जनरल रिजर्व को भी मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जनरल रिजर्व भी आपको क्लियर हो गया, मतलब पूरा का पूरा रिजर्व, सारा का सारा बैलेंस शीट हम लोग येल्लो येल्लो कर दिए। ठीक है सर, सर चलिए, तो आपको हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो काम हमेशा करना। एक चीज और याद रखना कि स्टूडेंट को एक जगह गलती हो सकता है, ये जो आपको पीएल अकाउंट दिख रहा है, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। ये जो पीएल अकाउंट आपको दिख रहा है ना, ये पीएल अकाउंट आपको दिख रहा है, ये पीएल अकाउंट क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, ये हो सकता है ये इस साइड में दिया रहा है। ये पॉसिबल है कि पीएल अकाउंट को एसेट साइड में दिया रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी पीएल अकाउंट को एसेट साइड में यहाँ पे दिया रहेगा ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम इसको भी उल्टा ही करना है, जैसे करते थे यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है ए और बी और सी में। सर कौन सा रेशियो, जाहिर सी बात है आपको बैलेंस शीट से कोई भी चीज उठा रहे हो तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही लोगे, ये तो क्लियर हो गया। तो आपको रिजर्व के बारे में बता दिया ऑलरेडी कि पीएल अकाउंट यदि एसेट साइड में दिया रहेगा तो डेबिट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में दिया जाएगा तो क्रेडिट में जाएगा। इसके पीछे लॉजिक जो है ऑलरेडी मैं क्लास में समझा चुका हूं, मैं यहां पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने सबसे पहला काम ये किया, दूसरा काम ये किया, तीसरा काम को क्या करना है, देखिए बैलेंस शीट का हर एक आइटम को लेना है, याद रखना बैलेंस शीट का हर एक आइटम को आपको यहाँ पे लेना है, बैलेंस शीट का हर एक आइटम को आपको यहाँ पे लेना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने ये ले लिया, यस सर ये ले लिया, सर ले लिए। सर आपने रिजर्व ले लिया, सर रिजर्व भी ले लिए। सर आपका ये नहीं लिए हैं सर, ठीक है ये नहीं लिए ना, देखते हैं ये लिए हैं क्या, सर ये भी नहीं लिए। तो याद रखेगा ये जो रेट था, मैंने इसके लिए क्या बताया था कि आपको इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो आपको इस सब चीज को भी लेना है, बट वो किससे लेना है, रिवोल्यूशन से लेना है। तो आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट और लॉस को भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। कैसे कैसे ट्रांसफर करना है, देखो रिवोल्यूशन का यदि प्रॉफिट है तो आपका जाएगा क्रेडिट में, रिवोल्यूशन का लॉस है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे देखो हम बताते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे स्टेप नंबर थ्री, पहला स्टेप कैपिटल ट्रांसफर के, दूसरा स्टेप क्या किया आप ये रिजर्व को बांटे, और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रेवा प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, रेवा प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और यदि लॉस है रेवा तो आपको क्या करना है क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। सर कौन से रेशियो में, सर ऑलरेडी मैंने बताया था रिवोल्यूशन करते वक्त आपको पता ही होगा हमेशा ओल्ड रेशियो लेते हैं, ठीक है, या फिर बैलेंस शीट से आप सामान उठा रहे हो तो हमेशा ओल्ड रेशियो लोगे। यदि रिवोल्यूशन प्रॉफिट आया तो यहाँ पे, रिवोल्यूशन लॉस आएगा तो आपको यहाँ पे कर देना है, इसमें कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको कर दे रहा हूँ, रिवोल्यूशन लॉस टू रेवा लॉस, ठीक है। कौन से रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी, क्योंकि बैलेंस शीट से आप उठाए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद यदि आप बैलेंस शीट में ध्यान दोगे, यदि आप बैलेंस शीट में ध्यान देते हो तो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि बैलेंस शीट में सारा का सारा चीज जो है हम लोग ट्रांसफर कर लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है गुडविल। तो इसका एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यदि हम सीख जाए किसी तरीके से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैं आपको सिखा दूं तो आपका एक काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना है बार, ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया आपका, ये आपका क्विकली रिवीजन के लिए मैंने ये बनाया है वीडियो, ताकि आपको कल एग्जाम तो आप थोड़ा सा आप बूस्ट हो जाओ। चलिए सबसे पहला याद करो, मैंने जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाया था तो मैंने ये 8 मंत्र बताए थे, अलग अलग मंत्र, अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैंने मंत्रा के नाम दे के मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाया था, सबका हम लोग जनरल एंट्री सीखे थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसको प्रैक्टिकली लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, पहला मंत्र नंबर 1 है, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल्दो ये तो एक्चुअल में गुडविल का तो पार्ट नहीं है, बट मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टाइम पे ही पढ़ाया था। तो एक चीज याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आता है तो आपको करना पड़ेगा उसको क्रेडिट,
मैं इसके पीछे लॉजिक बताया था बट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। चलिए, ये आएगा मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यदि पैसा आता है तो आपको करना है क्रेडिट, यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा जाता है, जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जा रहा है, जाना, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा आना वो क्रेडिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसा जाना वो डेबिट होगा, ठीक है। तो आप देखो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग पहला कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो कि न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब नया पार्टनर्स आया और वो कैपिटल का पैसा लेके आया। जब नया पार्टनर्स आएगा और वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो आप खुद सोचो मेरे दोस्त, जब भी नया पार्टनर्स आएगा और कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो क्या होगा सिचुएशन? सिचुएशन ये होगा कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो कि जीरो था अब वो 20,000 रुपया लेके आया, तो बोल सकता ना कि सर मेरे आपके बिजनेस में मैंने 20,000 रुपया और डाला। तो नया पार्टनर्स, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसके साथ इसको लिंक मत करना, यहाँ पे ये लिंक मत करना कि सर सी तो ओल्ड पार्टनर्स था, ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा अलग से कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, ये जो है आपको जो अलग कलर का दिख रहा है सी, सी को मैंने ओल्ड पार्टनर्स माना है अभी के लिए, इसके पहले था ये, सॉरी इसके पहले मैं इसको ओल्ड पार्टनर माना था, अभी के लिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ? न्यू पार्टनर। तो अभी के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कि सी क्या है? न्यू पार्टनर्स। अभी आपको ट्रीटमेंट क्लियर करवा देते हैं। अभी मैंने आपके क्या बताया कि सी जो है क्या है? सी आपका न्यू पार्टनर्स है। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा देखना है ध्यान से। ट्रीटमेंट कैसा होगा कि नया पार्टनर्स क्या किया, नया पार्टनर्स कैपिटल लाया तो आप खुद सोचो क्या होगा। सर नया पार्टनर्स कैपिटल लाएगा तो पार्टनर्स का, नया पार्टनर्स का जो सी का जो कैपिटल है, ये जो है ये साइड ये बढ़ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। ये अपना एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, ठीक है, या फिर स्टेप नंबर 4 आप जैसे याद कर सकते हो वैसे याद करो, ठीक है। मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 जो होगा क्या होगा, वो होगा बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल, ठीक है, बैकेट में लिख देना कैपिटल, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत चीज बता पाऊँ, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे जाएगा? क्योंकि नया पार्टनर्स का कैपिटल है तो नए पार्टनर्स में जाएगा, नए पार्टनर्स कैपिटल मतलब नए पार्टनर्स में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। मैंने इसको टिक 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 कर दिया, टिक 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 टिक, ठीक है, आप शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये, एक मिनट लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से दिखा दूं, ये मैंने इसको बताया, ठीक है, यस सर। तो आपको समझ में आएगा कि नया पार्टनर्स कैपिटल आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड देख देंगे, क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है। मैंने पहला मंत्र क्लियर करा दिया, सेकंड मंत्र के बारे में बात करते हैं। बोला इफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, क्या हो यदि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, मतलब द मंत्र इज टॉकिंग अबाउट दिस गुडविल, इफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। तो आप देख पा रहे हो क्या तरीका है, हम लोगों का तरीका है कि सर हम लोग यहाँ का आइटम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ का आइटम तो यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो हाँ सर, यस सर, हम लोगों को यहाँ का आइटम यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले से यदि बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, क्योंकि वो एसेट साइड में है तो आपको इसको डेबिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ए में, बी में और बोलो 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 और सी में। क्या लिखोगे सर यहाँ पे, आप लिखोगे क्या सर यहाँ पे, लिखोगे बाई गुडविल, यहाँ पे लिखोगे बाई गुडविल, और क्या लिखो, क्या बोलोगे इसको, रिटर्न ऑफ, इसको मैं ऑलरेडी जनरल एंट्री में बता दिया था, ठीक है, रिटर्न ऑफ, इसको मैं रिटर्न ऑफ लिखूंगा। और सर बोलने की जरूरत नहीं है, बैलेंस से आप पैसा, बैलेंस से कोई भी सामान उठा रहे हो तो कौन से रेशियो लोगे, बोलो 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 सर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो में बोल रहा हूँ तो ओल्ड पार्टनर्स की न्यू पार्टनर, सर ओल्ड पार्टनर, सर यहाँ पे मैं सी गलत लिखा दिया, यहाँ पे सी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये जो सी में मैंने लिखा है ना, क्योंकि न्यू पार्टनर्स था, एक मिनट लीजिए मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे बाय गुड, By goodwill account, ब्रैकेट में लिख दो, written off,
तो समझ में आ गया कि बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में यदि पहले से गुडविल मौजूद है तो आपको क्या करना है, उसको उसको कर देना है रिटेन ऑफ, उसको कर देना है डेबिट में ट्रांसफर कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है बात? यस सर। चलिए हम लोग दूसरा मंत्र भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए, तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसको बॉयकॉट कर दूं, ये कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर कर दीजिए सर, ये कर दिए, इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर है ये, इसको मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन, ठीक है, पहले जो बोला मैंने वही करूंगा, मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, बड़े ही इजी तरीके से आपके एग्जाम में ये सब आएगा ही आएगा, आना ही आना है, कहीं से भी नहीं आने का चांस ही नहीं है। अब आते हैं मंत्र नंबर 3, इफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। स्टूडेंट्स का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को, जिससे स्टूडेंट्स को प्यार जाता है, स्टूडेंट लोग मानते हैं कि यार ये आ जाए तो बस जिंदगी बन जाए, ये यदि नया पार्टनर कैपिटल लाया और प्राइवेटली लाया तो क्या करा जाएगा? अरे दोस्त, प्राइवेटली लाएगा तो मैंने बताया था इसका कोई एंट्री ही नहीं होगा, कभी भी गुडविल बैलेंस गुडविल दिया रहेगा, नीचे में बोला रहेगा कि न्यू पार्टनर गुडविल लाया, वर्ड खाली ध्यान रखना है यहाँ पे, जो वर्ड ध्यान देने की है वो है यहाँ पे प्राइवेटली, आपको ध्यान देने की जरूरत है प्राइवेटली वर्ड, यदि प्राइवेटली वर्ड लिखा हुआ है तो आपको बैलेंस शीट में गुडविल का इसका इफेक्ट ही नहीं करना, तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो आप नो एंट्री, यहाँ पे आपको लिख सकते हो आप क्या, यहाँ पे लिखोगे नो एंट्री, नो एडजस्टमेंट्स, ऐसे करोगे नो एडजस्टमेंट, नो एंट्री, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना, ठीक है। चले आइए मंत्र नंबर 4, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इज अमाउंट ऑफ गुडविल, नया पार्टनर्स गुडविल लाता है, सोचिए एक बार, नया पार्टनर जब कैपिटल आया था तो वो अपने लिए लाया था, नया पार्टनर जब गुडविल लाता है तो किसके लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाता है, मतलब कहीं ना कहीं गुडविल लाएगा और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देगा, मैंने बताया था कहीं ना कहीं गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ओल्ड पार्टनर्स का ये और ये बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी यहीं पे लिखना है आपको कि नया पार्टनर्स गुडविल आया, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया, पॉइंट नंबर जो भी आप देखोगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर में ही आएगा, देखोगे बाई बैंक अकाउंट, अकाउंट लिखने का तरीका देख लेना, ब्रैकेट लिख देना गुडविल, नया पार्टनर्स गुडविल आएगा तो नया पार्टनर्स के कैपिटल आने से उसका कैपिटल, नया पार्टनर्स के कैपिटल आने से देखिए उसका कैपिटल बढ़ा, बट नया पार्टनर्स के गुडविल आने से क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी गुडविल के बारे में बात करूं सिर्फ और सिर्फ पहले आइटम को छोड़ के ये सब का सब सैक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, मैं यहाँ पे इसको अलग से ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ये सैक्रीफाइसिंग रेशियो ही होगा, जब भी गुडविल को नया पार्टनर्स लेके आता है तो वो हमेशा सैक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया क्लासेस में, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको बाद में रिविजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट नंबर भी पढ़ लिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बोलता है सिंपल सा बात, न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग्स इज अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या हुआ जब नया पार्टनर्स गुडविल नहीं लाएगा तो क्या होगा, देखो जब नया पार्टनर्स गुडविल नहीं लाएगा तो क्या होगा, न्यू पार्टनर्स गुडविल नहीं लाएगा तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई पैसा उधार में रहता है तो हम लोग उसके अकाउंट में लिख देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं देख पा रहे हो, आपको मैं इसका एंट्री यदि बताऊं जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या होगा मैं बताता हूं, यहां पर जनरल एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स नहीं लेके आया, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स लिख के सैक्रीफाइसिंग रेशियो लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया था सैक्रीफाइसिंग रेशियो, यदि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जब होता है तो समझ जाए, पर ये जब फॉर्मूला होता है सैक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हो, ये फॉर्मूला होता था, देखो खाली ध्यान देना, न्यू पार्टनर्स डेबिट में है और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट में, तो न्यू पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, देखो न्यू पार्टनर्स मतलब सी के डेबिट में जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, बोलो हाँ यस सर, कुछ नहीं बस सिंपल सा जनरल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर किए, तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे लिखोगे, आपको अमाउंट यहाँ पे कहाँ पे लिखना है सर, अमाउंट लिखना है न्यू पार्टनर्स में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, आपको क्लियर थोड़ा सा समझने का जरूरत है यहाँ पे कि हम लोग न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में क्यों लिखे, देखो पैसा लाया था तब तो उसका हम लोगों का पैसा पड़ा था, हम लोग डायरेक्टली पैसा लिख दिया, बट यहाँ पे पैसा नहीं ला रहा, क्या ला रहा है,
यहाँ पे ला रहा है सर, यहाँ पे ला रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा है, इसलिए उसके नाम पे हम लोग इसको ड्यू लिख देंगे। जब भी इसका अमाउंट देखो, अमाउंट यदि सी में लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना क्या है सर, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू ए और बी। बोलो हाँ सर, टू ए एंड बी अकाउंट। जाहिर से बात इसको आप इज्जत से लिखोगे, ए एंड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि नया पार्टनर यदि गुडविल नहीं लाएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए, नया पार्टनर जब भी गुडविल नहीं लाया तो आपने ये काम करना है। समझ गए बात। और यही नहीं, यहाँ ये तो सी के डेबिट में हुआ, अब ए और बी के डेबिट में भी, ए और बी के क्रेडिट में भी आपको करना पड़ेगा। लिखना क्या है, लिखना पड़ेगा आपको बाई सी अकाउंट और बैलेंस लिखना पड़ेगा ए और बी में, बैलेंस लिखना पड़ेगा ए और बी में, जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो। जब भी आप इसका, यदि आप नोट डाउन कर रहे हो मेरा ये चीज, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं नोट डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए कि आपने ये एडजस्टमेंट किया कि तो किसके लिए किया, मतलब ये एडजस्टमेंट किस लिए किया, क्योंकि न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लाया, गुडविल लाया तो कैश कैपिटल लाया तो, इस तरीके से आप बगल में लिख लो ताकि आपको फ्यूचर में एक बार के लिए याद रहे। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने ये भी समझ लिया मंत्रा नंबर कौन सा, मंत्रा नंबर जो है 5 भी अपने पढ़ लिए। मंत्रा नंबर 6 में अपने जाते हैं। मंत्रा नंबर 6 क्या है, मंत्रा नंबर 6, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन पार्ट होगा, यहाँ पे मिट गया है। इन पार्ट का मतलब हुआ कुछ पैसा लेके आया, कुछ पैसा नहीं लेके आया, यहाँ पे इन पार्ट लिख देना ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन पार्ट का मतलब हुआ कि कुछ पैसा लेके आया, कुछ पैसा नहीं लेके आया। ठीक है, तो जो कुछ पैसा लाएगा, कुछ पैसा नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, समझ लेगा। देखिए, जितना पैसा लाएगा उतना के लिए हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे, जितना पैसा लाएगा उतना के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। मैं जाता हूँ, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, जितना पैसा लाएगा उसके लिए लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बैक में लिखूंगा गुडविल। एक चीज हमेशा रहेगा ना, लाएगा चाहे नहीं लाएगा, क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, एक चीज ध्यान रखना। देखो, कुछ पैसा लाया, जितना भी पैसा लाएगा उसके लिए बैंक लिखेंगे, जितना पैसा नहीं लाएगा उसके लिए उसका नाम लिखेंगे, जैसे हम ऊपर में किए थे। समझ गए, किसमें जाएगा अमाउंट सर, अमाउंट हमेशा किसमें जाता है, बोलो। मैं बताया गुडविल, अभी बताया कि गुडविल का हमेशा अमाउंट जाएगा कहाँ पे, हमेशा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा और कहीं जाएगा नहीं, न्यू पार्टनर्स के क्रेडिट में कभी नहीं ले सकते आप गुडविल। समझ गए बात, गुडविल का अमाउंट कभी भी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं ले सकते, न्यू पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए ये भी अपना कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, खाली एक चीज ध्यान रखना, नया पार्टनर्स गुडविल आया तो अपने बैंक अकाउंट लिखते हैं, बस जितना पैसा नहीं लाया उसके लिए आपको डेबिट में भी लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया था सेम चीज करना है आपको, यहाँ पे भी ट्रांसफर करना है। लिखोगे टू ए एंड बी अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे किसमें बोले बैलेंस लिखोगे, किसमें, जितना पैसा नहीं लाया। आपको बगल में प्लीज लिख लेना चाहिए आपको कि ये किसके लिए, मैं इसको येल्लो कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि डार्क डार्क हो जा रहा है। चलिए, समझ के बाद, तो सर एडजस्टमेंट नंबर हम लोग 7 भी पढ़ लिए, 6 भी पढ़ लिए, एडजस्टमेंट नंबर 7 के पास जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर यदि 7 के बारे में बात करूं तो एकदम सिंपल है कि न्यू पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स थे यदि वो विड्रॉ कर लिए तो क्या करेंगे। देखिए एक बार, जब पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आ रहा था तो हम लोग कर रहे थे इसको डेबिट, राइट, सॉरी क्रिएट कर रहे थे, हाँ, जब भी पार्टनर्स का कैपिटल गुडविल आ रहा था तो हम लोग कर रहे थे इसका क्या, इसको कर रहे थे हम लोग क्रेडिट। पैसा आ रहा था, इस तरीके से आपको क्रिएट कर रहे थे। अब क्या किए ये लोग, क्या किए बिजनेस मैन लेके ये लोग विड्रॉ कर लिए, तो बताओ इसके कैपिटल से, इसका कैपिटल ए और बी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा। सर विड्रॉ कर लिया, घर के लिए निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है वो घटेगा ना सर, तो घटेगा तो कहाँ पे लिखते, देखो जाना कहाँ लिखता है डेबिट में, देखोगे बाई बैंक अकाउंट, बैक एंड लिख देना गुडविल विड्रॉल, बैक एंड लिख देना गुडविल। अब
इसको क्या कर देना है, कौन से पार्टनर्स में? सर ओल्ड पार्टनर्स है, ऐसी बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस यही वाला अमाउंट को आपको यहाँ पे लिख देना है, विड्रॉ करेगा तो। अब ध्यान रखना है एक चीज़ खाली ध्यान रखना है यहाँ पे सोचने के बाद, अभी तक मैंने जो बताया उसमें आप यदि ठीक से ध्यान दे पा रहे हो या फिर मैं बताऊँ यदि आप ठीक से पढ़े हो तो आप ठीक से समझना है मेरी चीज़। आप देख पा रहे हो गुडविल हमेशा जब भी फर्म से निकल रहा है तो आपको कर रहा है क्या, आप लोग कर रहे हो इसको हमेशा आप कर रहे हो डेबिट। गुडविल जब भी बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आप कर रहे थे इसको क्रेडिट। तो जब भी ध्यान रखना, देखो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है मैं बताया था तो उसको हटाना पड़ेगा मतलब बिजनेस से गुडविल जा रहा है तो आपने इसको किया डेबिट। न्यू पार्टनर्स के आने के बाद न्यू पार्टनर्स से गुडविल आया, ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लिए तो भी गुडविल जा रहा है तो आपने इसको किया डेबिट। न्यू पार्टनर्स गुडविल लाया तो उसको आपने किया क्रेडिट क्योंकि नया गुडविल आया था। तो सिंपल वर्ड में बताऊं तो कभी भी गुडविल बिजनेस से जाएगा तो डेबिट करोगे और जब भी बिजनेस से गुडविल आएगा तो क्रेडिट करोगे। इसके पीछे लॉजिक था क्योंकि ये एसेट्स है, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक में बताया था रिटर्न ऑफ क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, मैं वहां पे नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये मैंने पॉइंट नंबर 7 में पढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे मार्क कर देना है, ये मैंने मार्क कर देना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सर आपने पढ़ लिया है पॉइंट नंबर 7 में पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 8 था कि काइंड में, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है, मैं क्योंकि यहां से आपको डाइल्यूट नहीं करना चाहता। तो ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको करना कुछ भी नहीं है। उसके बाद एंड के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली इसको जोड़ना पड़ेगा, क्रेडिट साइड को आप जोड़ोगे सबकी चीज को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद डेबिट साइड से माइनस करोगे तो लिखोगे यहाँ पे क्या, लिखोगे यहाँ पे जो बैलेंस निकलेगा उसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। और यही एक नया कैपिटल है, मतलब अब ये तीनों में आएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, लगभग इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स था ना सारा का सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना पता है, अब एक होता क्या है एडमिशन के टाइम पे रिटायरमेंट के टाइम पे अलग अलग तरीके से क्या होता है एडजस्टमेंट होते हैं, एडमिशन का अलग एडजस्टमेंट होगा, रिटायरमेंट का अलग एडजस्टमेंट होगा और आपका डेथ का अलग एडजस्टमेंट होगा। वही एडजस्टमेंट्स खाली हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोग सम्स वाइज पढ़ेंगे, हम लोग सम्स दिखाते जाएंगे आपको, एक नया वीडियो जाएगा इसके बाद उसमें हम लोग सम्स दिखाएंगे आपको और आपको दिखाएंगे कि ये ट्रीटमेंट होगा तो क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो आपको क्या किया जाएगा, बस आपको बेसिकली यही दिया रहेगा। मैं बताऊं आपके सम्स जो भी आता है ना, आपको पूरा का पूरा सम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में क्या दिया रहेगा पता है, पहला पार्ट में रिवॉल्यूशन दिया रहेगा, एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप एडमिशन का सम्स कर रहे हो, चाहे वो रिटायरमेंट का सम्स कर रहे हो, चाहे वो डेथ का सम्स कर रहे हो, 3 टाइप का एडजस्टमेंट आता है, 3 टाइप का एडजस्टमेंट मिला के एक सम्स बनता है। पहला रिवॉल्यूशन का, जिससे आपको रिवॉल्यूशन बनाना होगा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में यही एडजस्टमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में आपको यही एडजस्टमेंट जो आपको दिख रहा है यही एडजस्टमेंट होगा। इसके अलावा जो थर्ड एडजस्टमेंट जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा, एडमिशन का अलग होता है, रिटायरमेंट का अलग होता है, डेथ का अलग होता है, वो हम लोग सम्स वाइज दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो अभी के लिए ये वीडियो में अपने यहीं पे एंड करते हैं, सेकंड वीडियो का आपको वेट करना चाहिए, सेकंड वीडियो हम लोग जस्ट अपलोड करने वाले हैं अभी, जिसमें हम लोग एडमिशन से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट जो एडमिशन के सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ही होते हैं एडमिशन के ही होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। या ये एक काम करो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, ताकि क्लियर हो जाए, ये स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए हम लोग रखते हैं, बाय, थैंक यू।